रुपयों के लेन देन की आपसे विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक की जान चली गई। वहीं तीन युवक चाकू के हमले से गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के गोपलापुर इलाके में रुपयों को लेकर कल रात विवाद हो गया। इसमें चार युवकों को चाकू लगी है। हालांकि चाकू के हमले से गंभीर रूप से घायल एक युवक ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि रसूलपुर इलाके के रहने वाले अजय का 22 वर्षीय बेटा अमन सोमवार को रात करीब 8 बजे गोपलापुर मोहल्ले में पैसा मांगने के लिए सुजीत 23 वर्षीय पुत्र बसंत के घर पहुंचा। रुपए न देने पर यहां दोनों में विवाद हो गया। शोर सुनकर सुजीत के बड़े पिता रामाकांत का लड़का नितराज बाहर आया और दोनों को डांटकर वहां से भगा दिया। इसके बाद दोनों अमन और सुजीत रोहित के घर के सामने विवाद करने लगे। हंगामा सुनकर लालचंद का बेटा रोहित बीच बचाव करने पहुंचा। इससे पहले अमन ने फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया था। अमन ने गुस्से में आकर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमले के दौरान चाकू रोहित के गले में बाईं ओर सुजीत की आंख पर व दीपक व मुन्ना के कंधे पर लग गई। हमले में गंभीर रूप से घायल रोहित को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुन्ना रोहित का छोटा भाई है। मेडिकल कॉलेज में फिलहाल सुजीत का इलाज चल रहा है, जबकि मुन्ना दीपक को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। पुलिस ने हमलावर अमन पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एसएसपी शलभ माथुर ने कहा, इसके अंदर दो गुट थे, एक दूसरे से पहले से परिचित थे। जो बातचीत अभी प्रकाश में आई है कि इनके बीच में पैसे का लेन देन का विवाद हुआ कर, इसके अंदर एक अभियुक्त तो उसके साथियों द्वारा वहां पर चाकू चलाया गया, जिसके कारण एक व्यक्ति जिसको गले में चाकू लगा उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आ गया है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए लेके भी आए हैं। संदर्भ में अभियोग थाना कैंट के अंदर पंजीकृत किया गया है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बाकी जैसा मैंने बताया यथाशीघ्र गिरफ्तारी इसके अंदर की जाएगी। सर, जो पैसे का सर जो लेन देन है वो आईपीएल से सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई मामला है? अभी ये बातचीत प्रकाश में पैसे के लेन देन को लेके आई है, किस चीज को लेके आई है एक बार पूरी गहनता से पूछताछ के बाद ही इस पे कह पाना समीचीन होगा कि 100% इसी चीज को लेके था। चाकूबाजी में क्या कोई और भी घायल हुआ है? हाँ, वो घायल जो है वो उसके अंदर दो लोग जो थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी ठीक है। एक जो मुख्य जो है इनके जो गर्दन वाला हिस्सा है यहाँ पर चोट लग गई थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई।